उत्तर भारतीय मोर्चा दक्षिण मध्य मुंबई जिलाध्यक्ष श्री विनय दुबे जी के नेतृत्व में आयोजक वडाला मंडल अध्यक्ष श्री प्रकाश बेन वंशी जी द्वारा निको हॉल वडाला उद्योग भवन के पास आयोजित की गई चौपाल एवं सावन में कजरी का आनंद उत्तर भारतीय समाज ने उठाया। इस चौपाल में जिस तरह से लोगों की समस्याएं सुनी गई, लोगों के विचारों का आदान प्रदान हुआ, एक साथ खान पान जलपान किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली चौपाल की यादें ताज़ा मुंबई में हो गई। और अंत में जिस समय कजरी की कार्यक्रम के चलते उत्तर भारतीय समाज की महिला पुरुषों ने गले में गमछा डालकर डांस किया, उससे लग रहा था उत्तर भारतीय मोर्चा ने मुंबई में भी अपनी लोगों के दिलों में अलग पैठ बनाकर लोगों के दिलों को छू लिया है। इस दौरान उत्तर भारतीय मोर्चा के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए कि संकल्प दोहराए और उत्तर भारतीय समाज को एकजुट रहने की अपील करते हुए हर एक चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने की अपील की। यही नहीं, उत्तर भारतीय समाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की गई और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर देश के विकास के लिए आगे बढ़ाने की अपील भी की गई। इस अवसर पर उत्तर भारतीय मोर्चा के तमाम नेता उपस्थित हुए। आइए देखते हैं इस चौपाल में क्या कुछ और कैसे कार्यक्रम हुआ। पूरे मुंबई शहर में उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से हर चौपाल को आयोजित किया जा रहा है। मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश सिंह जी के नेतृत्व में, और हम चौपाल के माध्यम से उत्तर भारतीय समाज के लोगों को संगठित करना, उनका उत्साह बढ़ाना, उनकी समस्या क्या है समस्या सुनकर उसका समाधान करना, और चौपाल में हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनसे चर्चा करने के बाद उनके समस्याओं का किस प्रकार से समाधान होगा उसकी तरफ हम लेकर चलते हैं। और पूरे मुंबई शहर में अब तक 750 के ऊपर चौपाल हो चुका है और उत्तर भारतीय समाज में बहुत एक अच्छा उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और सब संगठित हो रहे हैं, उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में आने के लिए पूरी तन्मयता से तैयार है हमारे साथ और लगे हुए। देखिए, जब से उत्तर भारतीय मोर्चा ने ये संकल्प लिया है कि पूरे मुंबई शहर में 1000 चौपाल करेंगे और उत्तर भारतीय मोर्चा ने 750 के ऊपर चौपाल किया, मैं ये समझता हूँ कि अब ये धारणा बनाना कि उत्तर भारतीय समाज कई पार्टियों में बटा हुआ है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं अपनी आँखों से हर चौपाल में गया और देख रहा हूँ कि उत्तर भारतीय समाज एकजुट होकर संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, उत्तर भारत तो है ही, पूरा उत्तर प्रदेश था, अब मुंबई शहर में रहने वाले भी उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुट चुका है। जिस संख्या की आप बात कर रहे हैं आनंद जी, आप ये विश्वास बनाए रखें कि लगातार हम लोगों को कई बार लोगों की भीड़ को रोकना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है। इस समय बरसात का मौसम है इसलिए हम खुले मैदान में नहीं लगा रहे हैं। जल्द ही जब बरसात का मौसम खत्म होगा हम लोग मैदानों में भी चौपाल लगाएंगे और उस समय भी आपको बुलाएंगे कि आइए अब इस चौपाल का आनंद लीजिए। एकदम सत्य है, आपको ध्यान होगा कि उत्तर भारतीय कार्यक्रम में ही 15 मई 2022 नेस्को ग्राउंड में ही घोषणा की थी इस गमछे के साथ माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कि आने वाले 30 दिन और 30 दिन में महाराष्ट्र की सियासत बदल गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चौपाल पार्ट टू जो अब शुरू हुआ है यह मुंबई के इस राजनीति और पूरे मुंबई मेट्रो MMR रीजन की राजनीति को बदलने का काम उत्तर भारतीय मोर्चा के माध्यम से हो। हेलो, मुंबई महानगर मुंबई महानगर पालिका में शुद्ध भारतीय जनता पार्टी का महापौर बिठा। उद्देश्य यही था कि चौपाल के माध्यम से उत्तर भारतीयों तक पहुंचना, उत्तर भारतीय समाज तक पहुंचना, और आपने देखा कि काफ़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोग हमारे जिस कार्यक्रम में आए थे, काफ़ी उत्तर भारतीय हैं जो चौलों में रहते, बस्ती में रहते हैं, और वो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी जल्दी सुनता नहीं है। तो हमने ये एक चौपाल का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसके माध्यम से उनकी समस्या हम सुने और उसका निवारण दे सकें। रिस्पॉन्स मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद वीडियो लिया है,
खुद फोटो लिए होंगे, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। खुशी इस बात की है कि हमारे चौपाल को हमारी माताओं ने, बहनों ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। थैंक यू। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।